गाइस वेलकम टू माय चैनल दैट्स काला गर्ल और मैं हूं कांक्षा। आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं ह्यूज कलेक्शन लेके आई हूं मेरे सीक्रेट बाइंग प्रोडक्ट्स का। और इस वीडियो की खास बात ये है कि इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ जो 24 में प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं और जिन्होंने मेरे लिए काम नहीं किया वो प्रोडक्ट्स लेके आई हूँ। और अभी 24 के सिर्फ और सिर्फ 3 महीने बीते हैं, जनवरी फरवरी एंड मार्च। तो ये 3 महीने में मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लिए, बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स ट्राई किए, उनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे भी मिले। लेकिन ये सारे प्रोडक्ट्स वो हैं जिन्होंने मेरे लिए संभव काम नहीं किया। वीडियो के स्टार्टिंग में बताना चाहूंगी, मेरी स्किन है ऑयली, एक्ने प्रोन, सेंसिटिव, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ ये स्किन टाइप होता है। तो इस वीडियो में मैं वन बाय वन बताऊंगी कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं और मैं कोशिश करूंगी अपना एक्सपीरियंस भी उन प्रोडक्ट्स के साथ कैसा रहा आपके साथ शेयर करने की। तो इस साल में मैंने डॉट एंड की के एक्चुअली कई सारे प्रोडक्ट ट्राई किए। उनमें से एक ये वाला सीरम है, डॉट इन की वाटरमेलन सुपर ग्लो 10% ग्लाइकोलिक एसिड रिन्यू फेस सीरम। इसमें आपको 2% ट्रांसामिक एसिड भी मिलता है। इस साल में मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारी ब्रांड्स ने अपनी ग्लाइकोलिक एसिड वाली रेंज लॉन्च की, तो मैंने उसके प्रोडक्ट्स ट्राई किए क्योंकि आप सभी लोग चाहते हैं कि कोई भी रेंज लॉन्च हो तो उसके प्रोडक्ट मैं ट्राई करूं। और ग्लाइकोलिक एसिड वाली जो रेंज है इसकी किसी भी ब्रांड के किसी प्रोडक्ट ने मेरे लिए काम नहीं किया। तो ये है 10% ग्लाइकोलिक एसिड सीरम। इसे मैंने भी यूज किया, मेरे लिए इसने काम नहीं किया, एक्ने की प्रॉब्लम मैंने फेस की। उसके बाद मैंने विवेक को दिया जिसकी स्किन नॉर्मल है, इवन उसने भी इस सीरम से एक्ने की प्रॉब्लम फेस की। फॉर्मुलेशन वगैरह सब कुछ सही है। आई थिंक 10% ग्लाइकोलिक एसिड मेरे लिए सूटेबल नहीं है डेली बेसिस पे यूज करना। हाँ, अगर मैं इसे वीकली यूज करूँ उसके बाद फेस वॉश कर दूँ तो मे बी ये मेरे लिए काम करे, बट ये जो सीरम है ये डेली यूज करने के लिए बना है। तो ये वाला प्रोडक्ट है जो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी अगर आपकी स्किन सेंसिटिव एक्ने प्रोन है। तो दूसरा इसी ब्रांड का सीरम है 10% नासेनामाइड प्लस सी का अल्टीमेट स्पॉटलेस ग्लो फेस सीरम। इसमें आपको अल्फा आर्बुटिन भी मिल रहा है जो कि आपको इस टाइप के पैकेजिंग में मिलता है। इसमें आपको 10% नासेनामाइड मिल रहा है। 10% नासेनामाइड आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है, आपको 5% या 2% यूज करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है क्योंकि मैंने द ऑर्डिनरी का 10% नासेनामाइड सीरम यूज किया, उसने मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग तरीके से काम किया। इवन मिनिमलिस्ट का जो 10% नासेनामाइड सीरम है वो भी मैंने यूज किया, पूरी बॉटल खत्म कर दी, वो भी मेरे लिए अच्छे से काम कर रहा था। इसीलिए मैंने 10% नासेनामाइड सीरम्स यूज करने स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने ये वाला लिया क्योंकि मुझे चिन पे एक दो एक्ने आए थे जिसके डार्क स्पॉट्स रह गए थे और इसे मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने डार्क स्पॉट्स पे अप्लाई किया। मैंने देखा कि इसे लगाने के बाद एक तो थोड़ी जलन हो रही थी, उसके साथ साथ एक दो मैंने एक्ने के नए ब्रेकआउट भी ऑब्जर्व किए सिर्फ उस जगह पे जहाँ पे मैंने इसे लगाया था। 2 रात मैंने इसे लगाया, उसके बाद मैंने इसे यूज करना डिसकंटिन्यू कर दिया। तो यही 2 सीरम थे जो मैंने इस साल में ट्राई किए थे जिन्होंने मेरे लिए काम नहीं किया। उसके बाद डॉट एंड की का ही मैंने ये वाला मॉइस्चराइजर है जो बड़ी उम्मीद से लिया था। ये है इनका सीका प्लस नासेनामाइड ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। एक्चुअली मैंने ये प्रोडक्ट उनका जो 10% नासेनामाइड सीरम है एक साथ लिया था। आई थिंक मैंने इसके बारे में पहले भी आपसे बात की, इसकी फॉर्मुलेशन बहुत अच्छी है। इसमें आपको सेरामाइड्स मिल रहे हैं, नासेनामाइड है, सीका है और भी बहुत सारे अमेजिंग से इंग्रेडिएंट इसमें डाले गए। इसका सेपरेट रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बट समहाउ इस प्रोडक्ट को भी जब मैंने यूज किया इससे भी मुझे ब्रेकआउट की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और स्टार्टिंग में आई गया जब 2-3 दिन इसे यूज किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि एक्ने मुझे आ रहा था। इसे मैंने अपने इवनिंग स्किन केयर रूटीन में ऐड किया था, हेलोरॉनिक एसिड सीरम के बाद मैं ये वाला मॉइस्चराइजर यूज कर रही थी, बट इसने मेरे लिए काम नहीं किया। ओके, नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी कुछ सनस्क्रीन्स की जो मैंने इस साल में ट्राई किया और जिन्होंने मेरे लिए काम नहीं किया। इनमें सबसे पहले है ये गैबिट की 100% मिनरल सनस्क्रीन SPF 55 प्लस एंड PA 4 प्लस। ये जो सनस्क्रीन है ये कंप्लीट मैट सनस्क्रीन है, आई गेस इसी वजह से इसने मेरे लिए काम नहीं किया। ये 100% मिनरल सनस्क्रीन भी है और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जिंक ऑक्साइड मिल रहा है। आई गेस इसमें सिर्फ जिंक ऑक्साइड है, इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड नहीं है, सेकंड नंबर पे इसमें डाला गया है। कंप्लीट मैट फिनिश में आपको ये मिलती है, बहुत इजीली ग्लाइड हो जाती है और ग्लाइड होने के बाद एक हल्का सा ग्लो वाला इफेक्ट भी आपको देती है। ये ड्यूई नहीं है लेकिन एक हल्का सा व्हाइटिश इफेक्ट, जैसे कि जब आप इसे लगा लेते हैं तो जितने भी पिगमेंटेशन वगैरह है उसे तो ये थोड़ा सा शेयर कवरेज देती है, उसके अलावा भी एक ग्लो आपके चेहरे पे ये छोड़ जाती है। लेकिन सनस्क्रीन के साथ क्या होता है कि आपको इसे काफी लंबे टाइम तक लगाना होता है और आपको रीअप्लाई भी इसे करना होता है। अगर आप इसे सिर्फ 1-1.5 घंटे के लिए बाहर जाने के पहले लगा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आप इसे 6-7 घंटे के लिए अपने चेहरे पे छोड़ देते हैं मैंने ऑब्जर्व किया कि आपको ब्रेकआउट की प्रॉब्लम दे सकती है, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली एक्ने प्रोन है
तो जब मैंने एक दिन इसे स्टार्टिंग में सिर्फ एक डेढ़ घंटे के लिए लगाया था ट्राई करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। इवन एक अलग से फ्रेशनेस मैंने अपने चेहरे पे ऑब्जर्व की, कि जब मैंने इसे अगले दिन पूरे दिन के लिए लगाया तो मुझे बड़े बड़े एक्चुअली एक्ने की प्रॉब्लम हो गई। तो ये वाली भी सनस्क्रीन जो है ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी, स्पेशली एक्ने प्रॉन स्किन के लिए, और ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई भी कर देती है कंप्लीट, क्योंकि ये एक मैट सनस्क्रीन है। दूसरी सनस्क्रीन जो मैंने इस बार यूज़ की इस साल में, वो है प्लम की सीका प्लस हेलोरॉनिक एसिड एक्वा लाइट सनस्क्रीन, जो कि नाम से आपको बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका भी मैंने आपके साथ सेपरेट रिव्यू शेयर किया था जिसमें मैंने आपको लाइव क्लिप्स भी दिखाए थे। इस सनस्क्रीन के साथ मेजरली मुझे दो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। सबसे पहले इसकी कंसिस्टेंसी, इसे लगाने के बाद ये ग्लाइड ही नहीं होती आपके चेहरे पे, ये ब्लेंड ही नहीं करती है। आप इसे घिसते रहो उसके बाद भी भाई बहुत ही दिक्कत होती है इसे अपने चेहरे पे ग्लाइड कराने के लिए। उसके अलावा ये पील करती है, जिससे मैंने एक्ने की भी प्रॉब्लम फेस की थी। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट हाँ आप इसका सेपरेट रिव्यू देख सकते हैं। बट ये सनस्क्रीन मैं कहूँगी मत ले तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद थर्ड सनस्क्रीन जो मैंने इस साल में ट्राई की वो है डॉक्टर शेट्टी केसर प्लस कोजिक एसिड सनस्क्रीन। इस सनस्क्रीन का रिव्यू मैंने रिसेंटली आपके साथ शेयर किया था। इस सनस्क्रीन को यूज़ करने के बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरी जो स्क्रीन है वो ये बहुत ज़्यादा ड्राई कर देती है। मैंने आपको लाइव क्लिप्स में भी दिखाया था कि जहाँ पे मैंने ये सनस्क्रीन लगाई उस साइड की जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गई थी, और ये जो मैट और डुई के बीच का फिनिश होता है ना, और थोड़ा सा मैट वाली साइड, वैसे ही आपको फिनिश देती है। फिनिश आपको अच्छी लगेगी फर्स्ट गो में, लेकिन ये आपकी स्किन को ड्राई कर सकती है, और अगर आपकी स्किन एक्ने प्रॉन है तो आपको इससे एक्ने की प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि मैंने इस सनस्क्रीन को अप्लाई करने के बाद एक्ने की प्रॉब्लम फेस की। ओके, नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी डॉक्टर शेड के ही इस वाले गुलाब ग्लाइकोलिक एसिड ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर की। ये वाली जो मॉइस्चराइजर है, अगेन इसमें भी ग्लाइकोलिक एसिड है। ग्लाइकोलिक एसिड वाले प्रोडक्ट्स ने मेरे लिए काम नहीं किया, तो इसके साथ दो इशू हुए। पहला ये कि ये अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करता है, और इसे अप्लाई करने के बाद मैंने देखा कि ये आपकी स्किन पर सिट कर जाता है। और दूसरा ये कि इससे भी मुझे एक्ने की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, और इवन दो या तीन बार ही मैंने इसे यूज किया था, उसके बाद ही मुझे छोटे छोटे एक्ने मेरे चीक वाले एरिया पे दिखाई देना शुरू हो गए। तो अगेन इसे भी मैंने यूज नहीं किया। देन नेक्स्ट मॉइस्चराइजर है ये वाला, ये आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने लिया था, लॉरियल पेरिस का ग्लाइकोलिक ब्राइट ग्लोइंग क्रीम। इसमें आपको SPF 17 मिलता है। ये वाला जो प्रोडक्ट है इसे मैंने ट्राई किया। सबसे पहले तो इसमें बहुत स्ट्रांग आपको फ्रेग्रेंस मिलती है। दूसरा इसके साथ इशू यह है, इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी में आपको मिलता है, और लगाने के बाद एकदम आपकी स्किन को वाइट कर देता है। तो अगर आपको इंस्टेंट वाइटनेस चाहिए ना, तो ये आप ले सकते हैं। इससे मुझे एक्ने की प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हैवी था, और इसे लगाने के बाद वो जो एक पसीने की लहर होती है ना आपके चेहरे पे आ जाती है, जैसे मेरे पुराने जमाने के कुछ मॉइस्चराइजर हुआ करते थे जैसे बोरोलिन वगैरह, वैसा मैंने इसके साथ फेस किया। तो ये इतना ज़्यादा हैवी और ग्रीसी लगा कि इसे मैं यूज़ नहीं कर पाई। इसके साथ साथ इसमें आपको SPF 17 मिल रहा है। 17 SPF ना ही तो आपकी स्किन को अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा घर के अंदर, और ना ही तो घर के बाहर। एनीवे ये जो मॉइस्चराइजर है, इसकी कंसिस्टेंसी की वजह से मैं यूज नहीं कर पाई। सिर्फ दो बार मैंने इसे अप्लाई किया और उसके बाद मुझसे नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी सेरावे की नाइट रिन्यूइंग नाइट क्रीम की। ये एक प्रोडक्ट है जिसे मैंने बहुत उम्मीदों के साथ लिया था, और ये मैंने बहुत महंगा भी लिया था। सेरावे के प्रोडक्ट वैसे भी आपको पता होगा थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं। आई थिंक जब मैंने इसे अमेजोन से लिया था ये करीब 2000 समथिंग की मुझे रिसीव हुई थी। इसके मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ चेक किए, रिटर्न रिव्यूज़ भी चेक किए ब्लॉगर्स के, इसके साथ साथ यूट्यूब पे भी रिव्यू चेक किए, अमेजोन पे रिव्यू चेक किए, और सारे के सारे रिव्यूज़ पॉजिटिव थे। इसके साथ साथ इसकी जो कंपोजिशन है वो भी अमेजिंग है। इसमें आपको हेलोरॉनिक एसिड मिल रहा है, पेप्टाइड्स मिल रहे हैं, और 3 टाइप के एसेंशियल इसमें सेरामाइड्स डाले गए। बहुत हाई फाई कॉम्प्लिकेटेड कंपोजिशन नहीं है, बट स्टिल इस नाइट क्रीम ने मेरे लिए काम नहीं किया। काफ़ी ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी में आपको मिलती है, लगाने के बाद कम्प्लीटली आपकी स्किन में सकिन हो जाती है, कोई ग्रीसीनेस नहीं आपको देती। इसके साथ साथ इस पर मेंशन है कि नॉन कॉमेडोजेनिक है, फ्रेग्रेंस फ्री है ऑब्वियसली ये, लेकिन इसे लगाने के बाद जब मैंने पहले दिन ही लगाया मैंने कोई खास डिफरेंस सुबह उठ के नहीं ऑब्जर्व किया जैसे कि रिव्यूज़ में लिखा हुआ था। दूसरे तीसरे दिन लगाया तो मैं देख रही थी कि दिन पे दिन जब भी मैं इसे रात में लगाती थी मेरी जो स्किन की कंडीशन थी वो धीरे धीरे ख़राब हो रही थी, और कंजेशन की प्रॉब्लम मैंने फेस की जब भी इस मॉइस्चराइजर को मैंने रात में अप्लाई किया। और थक हार के 8 दिन के बाद जब मैंने देखा बहुत सारे एक्ने मुझे आ गए हैं, और मेरी जो स्किन है वो भी काफ़ी ड्राई हो गई है, छोटे छोटे एक्ने की प्रॉब्लम मुझे हो रही थी, उसके बाद मैंने इसे यूज़ करना बंद कर दिया। तो अगर आपने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है बायोडर्मा का ये इंटेंस प्योरीफाइंग केयर। ये स्पेशली फॉर्मुलेट किया गया है एक्ने प्रॉन सेंसिटिव स्किन के लिए, और ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, और
अगर आपको स्पॉट्स की प्रॉब्लम है उसके लिए फॉर्मुलेट किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी फॉर्मुलेशन भी मुझे बहुत अच्छी लगी। बायोडर्मा के प्रोडक्ट्स मैंने पास्ट में यूज किए हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनकी मैंने फेस वॉश एंड इनका मिसलर वाटर जो है ना टोनर वो यूज किया है, बहुत अच्छे से मेरे लिए काम किया। तो मैंने सोचा कि चलो ये वाला लेके देखती हूँ। आपने ही बोला था कि दी कुछ बायोडर्मा के जो एक्ने प्रॉन स्किन के लिए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं या सेरम पे वाले, वो वाले प्रोडक्ट ट्राई करो, क्योंकि मैं जनरली जो बहुत अफोर्डेबल टाइप की जो हमारी इंडियन ब्रांड्स है ना सिर्फ वो ही ट्राई करी थी। मैंने सोचा ठीक है ट्राई करके देखते हैं। उसी टाइम पे मैंने ये सेरावे लिया, उसी टाइम पे मैंने बायोडर्मा के प्रोडक्ट लिए। इस मॉइस्चराइजर को मैंने एक दिन रात में लगाया सिर्फ और सिर्फ टोनर के बाद। इसे लगाने के बाद इतनी तेज मेरी स्किन पे जलन हो गई और मेरी स्किन जो है वो कम्प्लीटली रेड हो गई कि मुझे तुरंत जाके फेस वॉश करना पड़ा। उसके बाद मैं इसे यूज ही नहीं कर पाई। इसके साथ साथ लगाने के बाद ना ये पूरा का पूरा मेरी फेस पे पाउडर की तरह जम गया था। जब मैं इसे ब्लेंड भी करी थी ना तो ये पाउडर की तरह निकल रहा था। तो ये इतना पैथेटिक प्रोडक्ट मुझे लगा कि मैं इसे एक बार भी ढंग से यूज नहीं कर पाई। लगाने के बाद ही इसने मेरी स्किन को कम्प्लीट रेड कर दिया था, बहुत ज्यादा मुझे जलन हुई और सिंपली मैंने अपना फेस वॉश किया तो जाके थोड़ा सा मुझे बेटर लगा। सिमिलरली बायोडर्मा का कि ये मैंने करेक्टिव केयर एंड लार्ज पोर्स के लिए एक मॉइस्चराइजर आता है ये वाला लिया, इसे मैंने यूज किया। जब आप इसे अपने चेहरे पे लगाते हैं तो ये आपको एकदम वैसी फीलिंग देता है जैसे प्राइमर लगाने के बाद आती है ना, प्राइमर लगाने के बाद आपके जो पोर्स हैं वो पूरे पूरे ढक जाते हैं, स्मूथ सी फिनिश देता है। लेकिन इससे मैंने देखा कि मेरे जो ये जो मॉइस्चराइजर है ये आपके पोर्स को क्लॉग कर सकता है, ये वाली चीज मैंने ऑब्जर्व किया। सिलिकॉन बेस्ड फॉर्मूला है, आई डोंट नो व्हाई, वैसे तो सिलिकॉन्स मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देते बट ये प्रोडक्ट है जिसने मेरे लिए काम नहीं किया। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे कहूंगी कि बायोडर्मा के जो फेस वॉशेस हैं और जो इनका टोनर है ना वो अच्छा है, बट समहाउ मैंने इनके दो मॉइस्चराइजर एक्ने प्रॉन स्किन के लिए ट्राई किए, दोनों ने ही मेरे लिए काम नहीं किया। देन मैंने ये लिया नीमली का स्लीपिंग मास्क, क्योंकि मैं रात के लिए कोई तो मॉइस्चराइजर खोज रही हूँ, रात के लिए कोई ढंग का मास्क मुझे चाहिए जो कि सारे के सारे प्रोडक्ट्स को अच्छे से मेरी स्किन में लॉक कर दे। इसी वजह से मैं नाइट क्रीम और नाइट जो मास्क होते हैं ना वो मैंने पिछले 3 महीने में कई सारे ट्राई किए बट समहाउ अभी तक भी मुझे बेस्ट पॉसिबल मास्क नहीं मिला। तो नीमली का मैंने ये स्लीपिंग मास्क लिया था सीका एंड मल्टीपेप्टाइड वाला, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया कि रात में आपकी स्किन का रिपेयरिंग वाला प्रोसेस बहुत अच्छे से होता है। इसीलिए सीका हो, सेरामाइड्स हो, पेप्टाइड्स हो, रेटिनॉल हो, ये सारे के सारे प्रोडक्ट आप अपने नाइट स्किन केयर रूटीन में डालिए, क्योंकि मैं पर्सनली यही फॉलो करती हूँ। ये मैंने लिया, इसे यूज किया, ये आपको जेल टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी में मिलता है, इससे भी मुझे एक्ने की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इसके बारे में मैंने आई गेस आपसे पहले भी बात की थी जब मैंने बेस्ट टू वर्स्ट मॉइस्चराइजर वाली वीडियो बनाई थी आपके साथ शेयर की थी रिसेंटली। नेक्स्ट ओके सनस्क्रीन वाली रेंज में मैंने पिलग्रिम की न्यू लॉन्च विटामिन सी इनविजिबल सनस्क्रीन ट्राई की, ये वाली सनस्क्रीन, इसका रिव्यू आपके साथ शेयर किया था लाइव क्लिप्स में। ये जो सनस्क्रीन है कंप्लीट इनविजिबल है, इसके बाद फिनिश बहुत अच्छी आती है, इससे कोई एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम मैंने फेस नहीं की, बहुत ही प्यारी सनस्क्रीन थी। 3 दिन मैंने इसे रेगुलरली यूज किया और जब जब मैं इसे यूज करती थी ना मेरा फेस जो है ऑल डे लॉन्ग एकदम ब्राइट और ग्लोई लगता था। इसके साथ जो मेजर प्रॉब्लम हुई वो ये है कि जैसे ही आप इस सनस्क्रीन को लगाने के बाद अपना फेस टच करते हैं थोड़ी देर के बाद, इनिशियली नहीं, जब आप इसे अपने चेहरे पे ब्लेंड करते हैं, ब्लेंडिंग इसकी सब अच्छे से हो जाती है लेकिन ये ना बहुत बुरी तरीके से पील करती है। अगर आप अपना एक फिंगर पे टच कर लेंगे ना ऐसे तो पता चलेगा एक मोटी सी लेयर कंप्लीट वहां से गायब हो गई सनस्क्रीन की। ऐसे सनस्क्रीन बहुत अच्छी है, मैं इसे लगाना बहुत इंजॉय कर रही थी बट मैं इसे कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो ऑब्वियसली मैं आपको तो इसे रिकमेंड नहीं करूंगी लेना। उसके बाद इसी ब्रांड का मैंने ये लिया था पिलग्रिम का 24 कैरेट गोल्ड जेल मॉइस्चराइजर। इसमें आपको हेलोरॉनिक एसिड मिलता है, अल्फा ऑबोटिन मिलता है, कंप्लीट इसकी जो फॉर्मुलेशन है वो काफी अच्छी है। सबसे पहली दिक्कत मुझे इसके साथ ये हुई कि इसमें जो गोल्ड के चंकी पार्टिकल्स हैं जब आप इसे जेल मॉइस्चराइजर को अपने फेस पे लगाते हैं वो आपके चेहरे पे चिपक जाती है, तो अगर उस टाइप की और वो ब्लेंड नहीं होता तो वो एज इट इज जो इसमें क्लेम कर रहे हैं ना गोल्ड के पार्टिकल्स हैं वो एज इट इज एकदम स्पार्कलिंग पार्टिकल्स की तरह आपके चेहरे पे चिपक जाते हैं जो कि ब्लेंड भी नहीं होते और दूर से ही वो दिखाई देते हैं। तो ऑब्वियसली ऐसा प्रोडक्ट ना ही तो मैं यूज करूंगी और ना ही तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी यूज करना। इनका जो गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड रेंज का फेस मास्क है वो मैंने ट्राई किया था, मेरे मतलब वो मुझे अच्छा लगा था, ओके काइंड ऑफ लगा था, तो मैंने सोचा कि इसका ये वाला ट्राई किया जाए बट वो चंकी पार्टिकल्स जो ब्लेंड नहीं होते उसकी वजह से मैं इसे यूज नहीं कर पाई। देन पिलग्रिम का ही ये वोल्केनो लावा एश बॉडी स्क्रब, ये मेरे पास काफी दिन से था, इसे मैंने यूज नहीं किया।
इसे मैंने 3 बार यूज किया अभी तक, और इसे मैंने देखा कि जब भी मैंने इस स्क्रब को यूज किया अपनी बॉडी के लिए, मेरी बॉडी पे मैंने छोटे छोटे दाने ऑब्जर्व किए, छोटे छोटे एक्ने टाइप ऑफ दाने, जितनी बार भी मैंने इसे यूज किया। तो यही था मेरा रिग्रेट बाइंग वाला कलेक्शन आई गेस। कुछ प्रोडक्ट, एक और था लैनेज का नाइट स्लीपिंग मास्क, जिसमें आपको सीका एंड सेरामाइड मिल रहे थे, ग्रीन कलर की छोटी सी बॉटल थी, उसने भी मेरे लिए काम नहीं किया, और वो बॉटल अभी मुझे दिखाई नहीं दे रही है तो इसलिए मैं आपको शो नहीं कर सकती। उसे भी जब मैंने लगाया, अगेन जैसे मैंने आपको बताया मैं नाइट क्रीम अपने लिए खोज रही थी, तो जितने भी स्लीपिंग मास्क थे अच्छे अच्छे ब्रांड्स के वो मैंने ट्राई किए कंपोजिशन वगैरह देख के, तो वो भी एक प्रोडक्ट था जिसने मेरे लिए काम नहीं किया। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो को देख कर अगर आपकी स्किन भी एक्ने प्रॉन सेंसिटिव है, ऑयली मेरी तरह, तो आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी कि आपको इन प्रोडक्ट से हो सके तो आप बच सकते हैं। और अगर आपने इनमें से कोई भी प्रोडक्ट ट्राई किया हो सके तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर से शेयर कीजिएगा। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, सी यू, बाय।